का हाँ एकता हूँ कौन बताऊँ अरे कभी नहीं छोड़ूंगा बाबूजी मेरी आपसे हाथ जोड़कर मिले हैं। अरे मेरे डिप्टी है, इनको बातों में समझा दीजिए, इनके ऊपर हंटर मत चलाइए वरना मुझे नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। अगर वो तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर देगा सालों को मैं जिंदगी से सस्पेंड कर दूंगा। ऐसा है मुझे माफ कर दिया जाए। डिप्टी तू डिप्टी है सोचने की बात है। ये दोरे विद्यालय की एक शिक्षार्थी है, शिक्षा देने वाली लड़की है। सही कह रहे हो। इसके साथ तू हरामी पर करता है लेकिन दोस्त आज मैं कह रहा हूँ क्या कि जैसा मैं गुनाह का काम किया कोई शख्स नहीं करना। बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई चाचा सुनो भाई। अरे साले दिमाग से काम लिया करो बे। साले लड़की छेड़ने से क्या फायदा। अबे साले गाय भैंसी छेड़ो दूध खाओ सेहत। अरे उसका तो मान सम्मान करना चाहता है और तेरे ऊपर में तो हम पर मार दिया बड़ी चली आई हाथ जोड़ करके गाने लगी कि इसे मत मारो मेरे कॉलेज का डिप्टी है। सही कह रहे हो मेरे दोस्त, सही कह रहे हो मेरे दोस्त। क्या है? अरे हुआ अनजान में माफ कर दूं डिप्टी और खत्ता माफी कर डिप्टी तो है लेकिन और खत्ता माफी करने तो काबिल नहीं है। अरे भूल कर ऐसी कभी अरे हरकत नहीं दिखाऊंगा। भूल कर कभी नहीं हरकत में ये दिखाऊंगा और डूब कर चुल भर पानी में मैं मर जाऊंगा।
मेरी गलती माफ किया जाए। अरे आ गई आज से अंतिम घड़ी तुझे गोली मार दूं, लेकिन नहीं। अगर माफी कहता है सुबह का भोला राही शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे बिता नहीं कहा जाता। ठीक है, तुझे माफी चाहिए ना? हाँ मेरे दोस्त, गलती तो मुझसे किया नहीं है। नहीं, इधर आओ। अगर माफी मांगना चाहता है, आपका नाम क्या है? उर्मिला है। अगर माफी मांगना चाहता है तो इस समाज के सामने साले की डिप्टी है, इस समाज के सामने इस लड़की के पैर छू करके माफी मांग। अगर इसने माफ कर दिया तो मैं माफ कर दिया। ठीक है, मैं छू लूंगा पैर इसके। मैं तुमसे कहता हूँ मुझे माफ कर दो। नहीं, इसे नहीं माफ करूंगी। फिर कैसे माफ करूंगी? पहले मेरे पैर छुए तब माफ करूंगी। दिखाता नहीं तुम्हें, अंधे हो। पैर खोलने की बात कर रहा है। अगर उर्मिला तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे पैर जब तक आप पैर नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अगर उसका बदला नहीं चुकाया मेरा नाम भक्ति है। क्या हुआ? अरे इनके सामान लेके भाग गया और क्या हो गया? उर्मिला तुमने क्या करते थे? देख नहीं रहे थे? हम तनखा नहीं देखे तुम्हारे पैर तू कहा छुआ मत रहे। मैं तो पैर दिखा रही थी। ठीक है, हाँ उर्मिला। हाँ बोलिए। अगर वो चला गया है तो कोई बात नहीं, चला जाने दो। देखिए बाबूजी, जाओ जाओ अपने घर। आज के बाद यहाँ ऐसे आदमी के चक्कर में नहीं फंसना। बाबूजी सुनो मेरी बात। क्या है? अरे आपने आके अगर बाबूजी आप नहीं होते मेरी आबरू लूट जाती।
पापकार करना चाहिए, जिसने पापकार किया है वही इस मृत्युलोक में उपकार किया है। वो तो मैं जानती बाबूजी, अगर आप नहीं होते तो साथ में आप कोई काम की नहीं रह जाती, वो बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी आबरू बच गई। अब समय से आप अपने घर जाओ बाबूजी। क्या है? लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आपको लेकर संग में चलूंगी। मुझे रास्ते में डर लग रही है, कहीं वो फिर ना आ जाए। उर्मिला जाओ, तुम जाओ, रास्ते में मुझे यकीन है वो कभी आएगा नहीं। ओ कॉमिक मास्टर, स्टेज पे आओ। ठीक है बाबूजी, ठीक है मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो गया? अरे बाबूजी मेरी कांटा लग गया। कांटा लग गया? अरे बाबूजी नहीं कोई दर, बाबूजी अपना वो हाथ लाइए, जैसे जैसे तुम्हारा हाथ इधर को आएगा वैसे मेरा कांटा निकलता जाएगा। क्या कहा? ये कौन कांटा है कि मेरे हाथ लाने से तेरा कांटा निकल जाएगा? बैठ जाइए बाबूजी, बैठ जाइए, लाइए बाबूजी, लाइए। बाबूजी मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मैंने गलती की, जो यहाँ आ गया वो प्यार ही तो कर रहा था। बाबूजी क्या है? अगर मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं इसी पोखीपुर में अपनी जान हत्या करा दूंगी, और तुम्हें ये पोखीपुर वाले 100 नंबर बुला के तुम्हारे खुलिया टाइट करा देंगे। इसका मतलब अगर प्यार नहीं करूंगा तो क्या करेगी? मैं जान दे दूंगी अपनी। जान दे दूंगी? ठीक है, अगर जान दे दूंगी तब तो जरूर प्यार करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? उर्मिला नारी, नारी जाति पे वफा होती है, इससे मुझे यकीन नहीं है। सुनो मेरी बात, अरे प्यारी हमारा, ये आ गए अदारी हमारे झल्लर भैया, ये झल्लर भैया ये पुराने कोठी के निवासी है, हमारे घर वाली साहब एक क्या उपला व्यवहार है और हमारी पार्टी हाजिर स्वागत है झल्लर भैया पुराने कोठी के। अमर याद करे यारी हमारा अमर रहेगा, हमारे सुरेंद्र भैया असतर्क भैया दे रहे 11 रुपया और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत कर रही है। Thank you.
बाबू ग्राम बहबलपुर निवासी हैं। जिन बच्चों के बीच में हम आए हैं ये उनके फोफा जी के उनसे 1,000 रुपया का इनाम है। मगर करें चपत के तैयार करें। फोफा जी की बैटरी बहुत डाउन चल रही है। डाउन नहीं है, मौसम अब उनका नहीं बना। बोलिए क्या करना चाहते हैं? जब मैं कह दिया अरब जादू को उठा तो मैं प्यार नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं। तो ठीक है, अपना उधर को मुंह मोड़ कर खड़े हो जाइए, मैं अभी अपनी जान हत्या कर दूंगी। क्या कहा? अगर मैं प्यार नहीं करूंगा तो तू अपनी जान हत्या कर दूंगी। हाँ, तुम्हारे सामने इसी वक्त अदानी हमारे आसाराम भैया ग्राम बहबलपुर निवासी है। हमारे घर मारी साहब को 100 रुपया व्यवहार है, 10 रुपया इनाम है और हमारे पार्टी हार्दिक स्वागत है। उर्मिला, अगर तुम मेरे पीछे जान देना चाहती है पैसे वापस तो नीचे छुरा हाथ में, नीचे छुरा हाथ में मारो जिगर पे तन कर। अरे मैं भी तो देखो तुम कैसे कुर्बान हमारी जान दो। उधर को खड़े हो जाइए। या भगवान चल मुझे जल्दी ले चल, जिस दुनिया मेरा कोई नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तेरे खुद का स्वीकार क्यों तेरे आ गया है। बताओ, बोलिए तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? आदानी हमारे आकाश टेंट लाइट हाउस, आकाश टेंट लाइट हाउस ग्राम खाला हर साहब जी का पुरस्कार है और हमारे पार्टी हार्दिक स्वागत है। सुनो, मैं अपना पता आपको बता रही हूँ। क्या रहने वाली है? भैया इसी गांव के भैया दे रहे हैं 21 रुपया और हमारी पार्टी हारिश मिला। तुम यहाँ तखतपुर के जमींदार भवर सिंह की बेटी हो। तुम मिला क्या है? कहते हैं जिन बड़ा तुम पाइए गहरे पानी बैठ, जिसे बंगरे निकलो उसे कुदरत स्वयं मिला देता है। अब तो जरूर प्यार करूंगा रुमिला। लेकिन हमारे राम कुमार भैया ग्राम कौवत निवासी है, जिसमें हमारा ग्राम से खुशों के पसंद हो के जो तुम्हारे वो गाय पहुंचे तो गए हमारी बात की हारी स्वर कर रही है। उर्मिला बोलिए क्या करना चाहते हो? बताओ। हाँ और पास में आओ। बोलिए।
अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा हमारा जन्म मिलते सुखी नहीं जन्म तुम्हारा उधम सिंह का पुत्र। क्या नाम? उधम सिंह का पुत्र। आपका तो नाम बहुत प्यारा है, लेकिन समय के अनुसार इस समय लोग मुझे डाकू उधम सिंह के नाम से जानते हैं। अच्छी बात है, डाकू तो बहुत दयालु होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे प्यार रखी है। ठीक है, कब मिलेगी? मैं कल मैं तुमको 10 बजे दिन में मिलूंगी। क्या? कांटी के पुल के पास। कांटी के पुल के पास? लेकिन जब मैं आवाज दूंगा आओगी ना? क्या है? जब आवाज दूंगा तब आओगी ना? हाँ, क्यों नहीं आऊंगी। जाओ, जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये आगे आदाने हमारे जयकरण भैया, ये ग्राम कोखीपुर निवासी हैं। हमारे घर हमारी साहब को 60 रुपया व्यवहार है और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। ओ, अरे प्यारे उधम, उधम, उधम। देखो तो ये कौन? चलिए बाय बाय, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। भावा सिंह हमारे महाराष्ट्र से मुलाकात नहीं हुई, आज मैं चलता हूँ मुलाकात करता हूँ। और तालाबो नदी रे तीरे अब नजर धीरे धीरे चलो दरबार और देखता हूँ वह कौन है कौन नहीं। चलू अरे
सलोनी देवी और अंश कुमार ये ग्राम बहावत निवासी हैं, उनकी ओर से 1,000 रुपया पुरस्कार है और हमारी पार्टी हाजिर स्वागत। क्या बताऊं उर्मिला की भोली अदा दिल में गई समाए, दीप्ति उसके प्यार को और दिल में लिया बसाए। उर्मिला मेरी जान इतना आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं है, देख मेरी जान मैं क्या क्या जाल रचाता हूं। और मेरी दुश्मन है ये मेरी जान है ये, और मेरी दुश्मन है ये मेरी उलझन है ये, और बड़ा तड़पाती है दिल को तरसाती है ये खिड़की खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती। दुश्मन है ये मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है दिल को तरसाती है ये खिड़की खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है। हेलो ये आगे आदरणीय हमारे गजराज भैया ग्राम मकलपुर निवासी हैं, उनकी ओर से 1,000 रुपया पुरस्कार है, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। 60 साल लगे हुए हैं हमारे वेद प्रकाश भैया, ये ग्राम सुकेती निवासी हैं, उनकी ओर से 1,000 रुपया इनाम है, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। आए कभी चौबारे में वो सोचे कभी मेरे बारे में वो चुपके भाई है करे दो इशारे में वो इस पार वो है और उस पार नहीं नदिया बीच में बहती है ये खिड़की जो बंद रहती है। चलू भंवर सिंह से मिल रहा हूं और उनसे सारी बातें बताऊंगा। हाय आ गए आदरणीय हमारे पोस्टन की मम्मी जी, ये उनको 1,000 रुपया पुरस्कार है और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। चलिए चलता हूँ मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कहा आज चेहरा उदास है, क्या बात है? अगर मैं मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आपसे मैं कहूं कि ना कहूं, हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? आप हमारे दोस्त हैं तो दोस्त से बात बताने दो, हिम्मत नहीं पड़ती क्या बात है? कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाएंगे मेरे दोस्त? ये ठाकुर भंवर सिंह दोस्त की बात को कभी बुरा नहीं। अच्छा। क्या बात है, सुनिए हमारी बात। आप आगे हमारे नीतीश कुमार भैया ये ग्राम चकीलन निवासी हैं, हमारे भरमाई साहब से 1,000 रुपया बहुत है और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। नीतीश भाई बोलो क्या बात है। सुनो अगर मैं बता दूंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी मेरे दोस्त। मैं आपकी बात को जरूर सुनूंगा। अरे उर्मिला आपकी आदरणीय हमारे आशीष कुमार भैया छोटे से बच्चा ग्राम सीतलपुर निवासी है, उनको सज्जा का पुरस्कार है और हमारे पार्टी हार्दिक स्वागत है। के उर्मिला आपकी मेरे दोस्त, सुन रहा हूँ
के उर्मिला आपकी मेरे दोस्त और वो हो चुकी पराई है। अब आगे हमारे संतोष कुमार भैया ग्राम कंपनी के निवासी हैं, उनके सत्कार व पुरस्कार है हमारे पास यहाँ दिया जाता है। अब आगे हमारे प्रांशु नाम कांत निवासी हैं, उनके उनसे ग्यारह परिणाम है हमारे पास के हरी स्वागत है। दोस्ती नाते तक मैं चला आया हूँ मेरे दोस्त और दोस्ती हमने ये कसम खाई है। हाँ मेरे दोस्त, मेरे पास सबूत है। वही तो कह रहा था कि अगर आप सबूत देख लेंगे तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी मेरे दोस्त। ये आपके बेटी का है या किसी दूसरे का है देखो। ये तो मेरी बेटी का है और सुनो, दुश्मन से प्यार किया है तो मेरा भी वादा सुन लो। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। ये कैसी महकी महकी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त। फिर हम दोनों दोस्त हैं, ये कैसा ख्याल दिल पे आ गए तेरे। सीधे माने तो सीधे, अरे मनाऊं तो आदानी हमारी पूजा जो उनसे पुरस्कार है और हमारे पार्टी हर स्वागत है। अगर ये बात सच है तो मैं भी वादा करता हूँ कि उस हराम जाति की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है आप जाइए क्योंकि वो आती होगी। ठीक है मैं चल रहा हूँ, क्या बताऊँ बात तो यहां बन गई, अब चल रहा हूं। हाँ दोस्तों, अब मुझे चलना चाहिए, इसलिए मेरे पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे। अरे हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। Yeah!
क्या देख रही हूँ, मेरे पिताजी बहुत उदास बैठे। अरे पिताजी, बेटी का आदाब स्वीकार हो। दूर हो जा मेरी आँखों से। उर्मिला, बोले पिताजी, ये बाल की कालेज क्या करने जाती है? ये आगे अदानी हमारे राजकुमार भैया गांव काठी के निवासी हैं। उनके उनसे गांव पैगाम भरे नगर कहते हमारे राजकुमार भैया साथ ज्यादा जाते हैं। देखिए पैसा दे रहे पिताजी। वैसे तो मैं अभी कॉलेज से आ रही हूँ और बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाती हूँ। गुलिप ताजी, मेरी खता क्या है? ताजी खता पूछना चाहती है। हाँ,